वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज गरिमास क्रिएटिव हब। सो गाइज, टुडे आई एम बैक अगेन विद अनदर अमेजिंग बॉटल आर्ट वीडियो, जिसमें मैं आज आपके लिए क्रिएट करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग यूनिक लुकिंग बॉटल, जिसे मैं करने वाली हूँ डेकोपाज टेक्निक से डेकोरेट, और उसके बाद मैं उसके ऊपर लगाऊंगी जूट रोप, जो उसे देगा एक बहुत ही अर्दी लुक और बहुत ही नेचुरल लुक। इट इज गोइंग टू लुक रियली अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग दिस अमेजिंग बॉटल। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ली है आज ये वाली बॉटल, जिसको मैं देने वाली हूँ एक नया लुक, और आप चाहें तो आप किसी भी शेप की बॉटल ले सकते हैं। मुझे ये शेप बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए मैंने ये वाली बॉटल पिक करी, बट आप किसी भी शेप की बॉटल ले सकते हैं, किसी भी कलर की बॉटल ले सकते हैं। सो इस बॉटल को डेकोरेट करना अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर करने वाली हूँ व्हाइट कलर का एक्रेलिक पेंट। सो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये व्हाइट एक्रेलिक पेंट, और इसको हम पूरा अच्छे से कलर से कवर कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बॉटल की जो कैप है वो क्रोम की है। सो मुझे वो बहुत पसंद आ रही है, इसलिए मैं उस बॉटल की कैप को नहीं कलर करने वाली हूँ, उसको मैं एज इट इज छोड़ने वाली हूँ। बट अगर हाँ, आपकी बॉटल की जो कैप है वो प्लास्टिक की है या उतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, तो आप चाहें तो वो आप कलर कर सकते हैं, उसको भी कवर कर सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल, बट मैं उसको कवर नहीं कर रही। अब हमने इस बॉटल पे अच्छे से एक्रेलिक कलर को अप्लाई कर लिया है, और अब हमें वेट करना होगा एटलीस्ट 20 मिनट्स कि ये कलर हमारा बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड प्रोसेस। फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं बॉटल को अच्छे से ड्राई हो चुकी है, सारा एक्रेलिक कलर बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, और अब हमें पेस्ट करना है इसके ऊपर डेकोपाज टिश्यू, जो इसको देगा एक बहुत ही यूनिक लुक। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आज ये वाला डेकोपाज टिश्यू। ये एक फ्लोरल डिज़ाइन है, ये बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है, इजंट इट। सो इसको अब हमने कट करना है, हमें बेसिकली इसको सीजर्स से कट नहीं करना है। कट करने से पहले हमें ये देखना है कि हमें कितना पोर्शन चाहिए इस टिश्यू का। सो इसको मैं पेस्ट करने वाली हूँ यहाँ पे सिर्फ सेंटर में। सो आई थिंक अगर मैं डेकोपाज टिश्यू लूँ तो आई थिंक दिस मच पोर्शन इज मोर देन इनाफ जो मुझे लेना है, राइट? सो इसको अब हम टियर करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो आप इसको डायरेक्टली हाथ से भी टियर कर सकते हैं, या फिर आप वेट ब्रश की हेल्प से भी इसको टियर कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू डायरेक्टली टियर इट विद माय हैंड। और इसको टियर करने का बेसिकली रीजन ये भी है कि इसके एजेस मुझे बिल्कुल भी फिनिश्ड नहीं चाहिए, बिकॉज हम सीजर्स से कट करते हैं तो बहुत ही स्ट्रेट लाइन में कट होता है। मुझे इसके जो एजेस हैं वो थोड़े अनफिनिश्ड ही चाहिए, इसलिए मैं इसको टियर कर रही हूँ। और यही सेम तरीके से हम इसको ऊपर से भी टियर कर लेंगे, और ऐसे ही इसको हम साइड से भी टियर कर लेंगे। गाइज, आप देख सकते हैं इसको हमने चारों साइड से टियर कर लिया है, बस ये वाली साइड रह गई है, क्योंकि पहले हम इसको पेस्ट करेंगे और फिर जितना टिश्यू हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम तभी टियर करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करने के लिए लेना है डेकोपाज ग्लू। दिस इज द डेकोपाज ग्लू जो मैं यूज करने वाली हूँ। इसको अब मैं इस ट्रे में थोड़ा सा डाल लूंगी। सो गाइज, यहाँ पे मैंने डेकोपाज ग्लू ले ली है, और अब इस बॉटल पे हमें पहले अप्लाई करनी है यहाँ पे ग्लू। सो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ सेंटर सेंटर में ही ग्लू अप्लाई करनी है। ग्लू अप्लाई करके अब मैं यहाँ पे सबसे पहले डेकोपाज जो हमारा टिश्यू होता है इसमें 3 लेयर्स होती हैं, सो उसकी हमें बिल्कुल पतली वाली जो लेयर है वो हमें रिमूव कर लेनी है। ये इसकी फर्स्ट लेयर है जो मैंने रिमूव करी है, और अब इसमें टिश्यू की एक लेयर और है जो हमें रिमूव करनी होगी, आप देख सकते हैं। सो दिस इज द थिन लेयर जो मैं यूज करने वाली हूँ। सो इसको अब हम बहुत ध्यान से इस ग्लू के ऊपर पेस्ट करेंगे। सो इस पे हम धीरे धीरे ग्लू अप्लाई करेंगे, और साइड बाय साइड हम इस टिश्यू को पेस्ट करते चले जाएंगे।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डेकोपाज टिश्यू को हमने सेंटर में बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिया है। और अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये ऊपर और नीचे से देखने से कि कितना अनफिनिश्ड है, बट आप देखिएगा आगे की प्रोसेस में जब हम इसको फिनिश करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। सो अब डेकोपाज टिश्यू के ऊपर भी मैं हल्का सा ग्लू को अप्लाई कर लूँगी जिससे कि ये डेकोपाज टिश्यू हमारा सील हो जाए। बहुत ही पतली लेयर हम डेकोपाज ग्लू की इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो गाइज हमने ये ग्लू को अच्छे से अप्लाई कर लिया है और ये ग्लू को सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट इज़ जस्ट गोइंग टू टेक 5 मिनट्स मैक्सिमम कि ये ग्लू ड्राई हो जाएगी। और जब ये ग्लू ड्राई होगी उसके बाद मैं इसके ऊपर वार्निश भी अप्लाई कर दूंगी एक लेयर। फ्रेंड्स अब इसके ऊपर जो डेकोपाज पेपर हमने अप्लाई किया था ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये इस बॉटल का ही पार्ट लग रहा है एज इफ हमने इसको इस पर पेंट किया हो। और अब हमें इसको सील करने के लिए इसके ऊपर करनी है वार्निश अप्लाई। यहाँ पे मैंने ली है यहाँ पे डेको वार्निश। अब इस वार्निश को भी मैं हल्का सा ट्रे में डालूंगी और इसको हम थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे इस डेकोपाज टिश्यू पे। अब ये वार्निश भी हमने बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर ली है एंड अगेन वी जस्ट हैव टू वेट फॉर मैक्सिमम 1 or 2 मिनट्स कि ये वार्निश भी हमारी ड्राई हो जाए। सो गाइज ये हमारा वार्निश भी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब हमें इसके ऊपर पेस्ट करनी है जूट रोप। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ ये एक थिक वाली जूट रोप जिसको मैं अच्छे से पेस्ट करूँगी फेविकॉल की हेल्प से बॉटम में और ऊपर की साइड पे। गाइस अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डेकोपाज की जो एज थी वहाँ फिनिश हो रही थी, तो बस उतने ही पोर्शन तक हमने इसको कवर करना है जूट थ्रेड से। और अब मैं यहाँ पे जूट थ्रेड को कट कर लूंगी और इसका जो एज है उसको हम अच्छे से यहाँ पे कॉर्नर में पेस्ट कर लेंगे। बॉटम में हमने बहुत ही अच्छे से जूट थ्रेड को पेस्ट कर लिया है, यही सेम प्रोसेस हमें ऊपर की साइड पे भी रिपीट करना है। अब यहाँ पे भी हमें ऊपर की साइड पे फेविकॉल को पहले पेस्ट लगाना है जो बॉटल का नेक है। अब इस जूट रोप को भी हमने उस एज तक लगा लिया है जहां पे हमारा डेकोपाज पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो इसको भी अब हम कट कर लेंगे और इसको अच्छे से हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब हमने इसके ऊपर दोनों साइड अच्छे से जूट रोप को पेस्ट कर लिया है और अब हमें पेस्ट करनी है इसके ऊपर ये पर्ल्स। जो ये व्हाइट कलर की पर्ल्स मैंने ली है ये इस बॉटल को बहुत ज्यादा एनहांस कर देंगी। इसको भी मैं पेस्ट करूंगी फेविकॉल की हेल्प से। सो इसको हमें सिर्फ जूट के ऊपर थोड़ा सा फेविकॉल को अप्लाई करना है जूट की और डेकोपाज के एज पे। सो गाइस आप देख सकते हैं ये बीन्स हमने बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिए हैं एंड दिस बॉटल इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। और अब हमें करना है फाइनल स्टेप, हमें लगाना है एक पिंक कलर का बो इसके ऊपर। सो उसके लिए अब हमें बो को क्रिएट करना है जिसके लिए मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ ये पिंक कलर का सैटिन रिबन और इससे मैं क्रिएट करने वाली हूँ बो। बो क्रिएट करना बहुत सिंपल है, मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोज में बताया भी हुआ है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे अपनी ये दोनों फिंगर्स के बीच में इस रिबन को ऐसे रखूंगी और आज हम क्रिएट करेंगे डबल बो। सो उसके लिए हमारे को यहाँ पे इस रिबन को 2 times अपनी फिंगर पे फोल्ड करना है और ये जो कॉर्नर है हमारा रिबन का इसको हम यहाँ से एंड में से निकालेंगे इस लूप में, नीचे से हम निकालेंगे इसे और फिर ये जो हमारा पोर्शन है जो रिबन का ये बाहर की एज है ये वाला जो हमारा लूप है जो ऊपर की साइड से हमने जहां से फोल्ड किया था वापस से हम इसको उसी के अंदर लेके आएंगे, एक नॉट टाई करेंगे बेसिकली और इसको हम फिर बाद में अच्छे से स्ट्रेच कर देंगे। और अब मैं बहुत ध्यान से फिंगर में से अपने इस रिबन को निकालूंगी और यहां से हम इसको दूसरे एंड को भी कट कर लेंगे
और ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल बो क्रिएट हो गया। अब बस हमें इसको एडजस्ट करना है अच्छे से। जो इसके दोनों एजेस हैं इनको हम बाहर निकाल लेंगे रिबन के। आप देख सकते हैं दिस इज लुकिंग प्योरली प्रिटी। वी जस्ट हैव टू एडजस्ट ऑल द एजेस ऑफ दिस बो नाउ। और हम ये जो दोनों एंड्स हैं इनको भी हम अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। अब ये जो हमने बो क्रिएट किया है इसको हम अपनी बॉटल पे पेस्ट करेंगे। सो आई विल अप्लाई फेविकॉल। और बो के सेंटर में यहाँ पे मेरे पास कुछ ये स्टिक ऑन फ्लावर्स हैं, तो इसके सेंटर में मैं यहाँ पे ये वाला फ्लावर पेस्ट करने वाली हूँ और इसको हम अच्छे से पेस्ट कर देंगे। वी विल जस्ट प्रेस इट नाइसली। सो फ्रेंड्स, हमारी ये बॉटल रेडी हो चुकी है एंड दिस इज लुकिंग रियली प्रिटी। आप इसको अपने घर के कहीं पर भी कॉर्नर में डेकोरेट करिए। इट इज गोइंग टू एनहांस दैट स्पेस। इट वॉज सो सिंपल टू मेक बट नाउ द फिनिश प्रोडक्ट इज लुकिंग रियली ब्यूटिफुल। Guys, this bottle is looking so amazing. It has got such a unique look. It is seriously looking really nice, right? So guys, ऐसी bottles हम generally देखते हैं restaurants में या malls में और हमें लगता है कि ये bottles कितनी expensive मिलती होंगी, isn't it? But आपने देखा ही आज कि हमने कितने ही कम सामान से और कितने ही कम effort से ऐसी beautiful bottle create करी है अपने लिए। और ऐसे ही same तरीके से आप भी अपने लिए beautiful bottles बना सकते हैं और आप भी अपने और इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं, बहुत और नए तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं इन बॉटल्स को बनाने के लिए। एंड दिस इज़ रियली सिंपल। आप इसको प्लीज़ ट्राई करिए एंड प्लीज़ शेयर योर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ गरिमास क्रिएटिव हब। बाय।